हेलो पीपल, सो यार बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी एक्चुअली कि मैम सीए करें या सीएस करें आफ्टर ट्वेल्थ. हमको समझ नहीं आ पा रहा है हमारा एप्टीट्यूड क्या है और किस चीज से स्टार्ट करें. ऑल दो हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सीए लें या सीएस के तरफ जाएं. तो यार ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है और उनकी आई होप ये वीडियो लास्ट तक एंड तक अगर आप देखते हैं तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा. अच्छा, काफी सारे वीडियोस में आप देखेंगे सीए वर्सेस सीएस किया जाता है बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो क्योंकि सीएस एक अपनी जगह अलग चीज है और सीएस सीए बहुत ही अलग चीज है. आप डिसाइड कैसे करोगे अपने करियर ऑप्शन को? आप ऐसे डिसाइड करोगे कि आपका एप्टीट्यूड या नेचुरल एप्टीट्यूड आपका किस तरफ है. नेचुरल एप्टीट्यूड अब क्या होता है, जैसे बचपन से मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे सोशल साइंसेस वाले सब्जेक्ट्स में जहां पे स्टोरी फॉर्म में या थ्योरी होती थी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज थ्योरी, जहां पे थ्योरी होती थी वो मुझे बहुत ज्यादा आसानी जाती थी पढ़ने में. वहीं जहां मैं प्रैक्टिकल साइड वाले सब्जेक्ट्स पे जाती थी जैसे कि मैथ्स हो गया, वहां मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाती थी समझ पाने में, सॉल्व कर पाने में. ऑल्दो मैं वो भी कर लेती थी लेकिन कंपैरेटिवली मुझे मजा थोड़ा कम आता था. तो मुझे धीरे धीरे करके ये समझ में आ गया कि यार ये आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है या हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो इस टाइप के थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरा थोड़ा नेचुरल एप्टीट्यूड ज्यादा है. इसी तरीके से बहुत ईजी एग्जाम्पल एक होता है, कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ही अमेजिंग स्केचिंग एंड पेंटिंग ये सब में होते हैं, है ना, उनमें नेचुरली वो टैलेंट होता है. कुछ बच्चे बहुत ही अमेजिंग डांसर्स होते हैं, वो नेचुरल टैलेंट होता है. तो अक्सर इस टाइप के टैलेंट्स देखना ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए पहचान पाना कंपेयर टू पढ़ाई में. पढ़ाई में भी लेकिन आप अपना नेचुरल एप्टीट्यूड पहचान सकते हैं अगर आप बचपन से याद करके अपने आप को नोटिस करें कि यार नेचुरल एप्टीट्यूड किस साइड पे है. यही नेचुरल एप्टीट्यूड आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली डिसाइड करने में कि वेदर यू शुड गो फॉर सीएस और सी ए. ठीक है, अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आता है, ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, तो सीएस माइट बी द थिंग फॉर यू. वहीं अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स फिजिक्स इस टाइप के सब्जेक्ट्स में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हो, ज्यादा अच्छे से उसको कैच या ग्रास्प कर पाते हो, तो सीए माइट बी द थिंग फॉर यू. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दिस, पहले देख लेते हैं कि इन दोनों डिग्रीज में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी होती है. तो ये सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सबसे पहले तो ये दोनों ही डिग्रीज, अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो ये दोनों ही डिग्रीज प्रोफेशनल डिग्रीज हैं. मतलब इसमें आप कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाते हो, आप यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करते हो, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं. इनके तीन तीन लेवल्स होते हैं. सीए की हम बात करें तो इसमें होता है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट जिसको अक्सर लोग इंटर बोलते हैं एंड फाइनल. वहीं सीएस में होता है सीएसडब्ल्यूटी, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. सेकंड लेवल होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड लेवल होता है आपका प्रोफेशनल. तो ये दोनों में ही तीन लेवल्स होते हैं. अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई या पास कर लेते हैं तो यू विल बिकम अ सीए और अ सीएस, विच एवर यू हैव ऑप्टेड फॉर. तो ये हो गई पहली सिमिलैरिटी. दूसरी, ये दोनों ही एग्जाम्स कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराता, दीज आर कंडक्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड बॉडीज. जैसे सीए में आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, वहीं सीएस को आईसीएसआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है. ये हो गई दूसरी सिमिलैरिटी. तीसरा सिमिलैरिटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. अगर आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो यू विल बिकम दैट. तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री के साथ ऐसी कन्वेंशनल डिग्री भी करते हैं जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया. हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और आप चाहे तो मैं इस पे एक और वीडियो बना सकती हूँ व्हाई एक्चुअली लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर सीएस. अगर आप सीएस कर रहे हो तो बीकॉम बीए को ऑप्ट करने के बजाय लॉ इज अ बेटर ऑप्शन. इफ यू वॉन्ट आई कैन मेक अनदर डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट. ठीक है, अच्छा, तो नो कॉलेज, ये तीसरी सिमिलैरिटी हो गई. तीनों, दोनों में ही तीन तीन लेवल्स होते हैं. अच्छा, एक और काफी अनोखी चीज होती है जो कि सिमिलैरिटी है, आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली इन दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज को ऑप्ट कर सकते हो. तो डायरेक्टली आफ्टर ट्वेल्थ, बट आपको ट्वेल्थ क्वालिफाई करना है डेफिनेटली, ट्वेल्थ के पहले नहीं कर सकते आप, डायरेक्टली आफ्टर ट्वेल्थ कर सकते हो आप. एंड लास्ट बट वेरी 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 इनक्रेडिबल एंड यूनिक थिंग इज कि देयर इज नो
एज लिमिट, अपर एज लिमिट कोई नहीं होती इसकी। मतलब एक 22 साल का बच्चा या इंसान भी सीए या सीएस कर सकता है, वहीं एक 52 ईयर्स का जिनको ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशनल डिग्री की उनको काम है, जरूरत है, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के, और डिफरेंसेस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू बी एबल टू डिसाइड कि आपको ऑप्ट क्या करना चाहिए लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए। आई रियली होप इट हेल्प्स यू। तो अगर हम सीए की बात करें तो कोई सीए जो मैंने बोला प्रैक्टिकल या टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स से डील करता है, तो वो एक जगह पर क्या क्या संभालेगा, अकाउंट्स हैंडल करेगा, टैक्स एंड ऑडिट, ये तीन मेन काम एक सीए के होते हैं। वही एक सीएस जो होता है उनका ज्यादातर पढ़ाई, अच्छा सीए की डिग्री में भी जो आप करते हो तीनों लेवल्स पे, मोस्टली आपकी पढ़ाई इन्हीं सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। वहीं सीएस में लॉ एंड स्पेशली कंपनी लॉ, कंपनी लॉ और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। तो कंपनी लॉ या लॉ इन इटसेल्फ काफी ज्यादा थियोरेटिकल हो गया। अच्छा ऐसा नहीं है कि सीएस में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीएस में टैक्स नहीं है, बट जितना ज्यादा पोर्शन सीए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं या टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उतना बड़ा पोर्शन सीएस में नहीं। और ऐसा नहीं है सीए में थ्योरी नहीं है, उसमें भी थ्योरी है, बट ज्यादा चंक ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकल। सीएस में ज्यादा चंक ऑफ द सब्जेक्ट, मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। इसलिए बोला जाता है कि थ्योरी तो सीएस, प्रैक्टिकल तो सीए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ एक सीएस ही किसी कंपनी में कर सकता है, वो और कोई भी नहीं कर सकता, ना सीए ना ही सीए में, एंड दैट इज टैक्स ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि एक सीए ही आपको उसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको टैक्स ऑडिट चाहिए या सेक्रेटेरियट सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट की आप बात करो। वहीं अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात की जाए, सेक्रेटेरियल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक सीएस करता है। अच्छा यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है सीएस की, काफी सारी कंपनीज जिनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टर्नओवर होता है वहां पे कंपलसरी होता है कि आपको एक केएमपी मतलब की मैनेजेरियल पर्सन रखने, एक नहीं बहुत सारे की मैनेजेरियल पर्सन होते हैं, लेकिन उनमें से एक की मैनेजेरियल पर्सन, की मतलब आप समझ रहे हो ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैनेजेरियल पर्सन, उनमें से एक सीएस भी है। मतलब कंपलसरी है, एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ज्यादा अगर आपका कंपनी का है तो आपको सीएस रखना कंपलसरी है। तो आप यहां से ही समझ सकते हैं कि एक सीएस की डिमांड कितनी ज्यादा है। अच्छा हाल ही में आईसीएसआई ने खुद डिक्लेयर किया है, उनके प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि 2047 तक हमको इंडिया में ही 2 लाख से भी ज्यादा सीएस की जरूरत है। तो आप इमेजिन करो जॉब की डिमांड कितनी ज्यादा हाई है। और अक्सर करियर में वही चीज चूज करना चाहिए जिसका फ्यूचर में आगे आने वाले 5 सालों में या आगे आने वाले 10 सालों में कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर हो। अगर आप ऐसा जॉब चूज करते हो जो शायद आगे आने वाले 10 सालों में जरूरत ही ना बचे जिसकी, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे बट टू व्हाट एंड। तो ऑलवेज चूज अ करियर जिसका कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। एंड सीएस इज वेरी ब्राइट, इवन सीए इज वेरी ब्राइट, बट सीएस स्पेशली फॉर दिस थिंग इज वेरी ब्राइट राइट नाउ। अच्छा नेक्स्ट, यहां सीए में आपकी आर्टिकलशिप 3 इयर्स की होती है और उसके बीच में आप अपना फाइनल दे सकते हो। सीएस में आर्टिकलशिप 21 मंथ्स की होती है, तो थोड़ा टाइम डिफरेंस तो आ जाता है। 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप मतलब 2 साल भी पूरे नहीं, और यहाँ पे 3 इयर्स की आर्टिकलशिप, तो वो थोड़ा टाइम डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर हम जॉब या सैलरी की बात करें, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी दोनों की ही स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 6 to 8 लाख पर एनम होती है। अच्छा आप बोलोगे कि मैम हमने तो देखा है इनको और ज्यादा मिलता है, या हमने तो ये भी देखा है इनको बहुत कम मिलता है। Exceptions are always there, but ये salary जो है, this I'm talking about average salary. अगर average आप CA बनते हो, तो very high chance 80-90% लोगों के साथ कि उनको ये average salary या ये average package में job मिल ही जाएगा। तो अगर last में इसका gist क्या है कि if you are someone जिसका practical subjects पे ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो CA is something you might want to go for. वहीं अगर आपका theoretical अच्छा है, थ्योरिटिकल नॉलेज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स आप देखोगे सीएस में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे, इनफैक्ट
ईईटी के लेवल पे जो बेसिक लेवल है उस पर भी आपको लीगल एप्टीट्यूड आता है, तो आप देखोगे लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर इफ यू आर समवन जिसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा आसानी से ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, देन मे बी सीएस इज समथिंग यू माइट वांट टू गो फॉर। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का एक वीडियो सीएस और सीएमए के बीच में भी बनाया जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द सेम चैनल विच इज यस एकेडमी फॉर सीएस। यहीं पर आपके इस टाइप के छोटे छोटे जो डाउट्स आते रहते हैं जो आपको शायद लाइफ में आगे बढ़ने में या करियर गोल्स डिसाइड करना कर पाने में रुकावट बन रहे हैं वो आपके यहाँ पर सॉल्व होते जाएंगे। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।